हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागर यूवी स्टोर। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में लेडी बर्ड इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल का फुल कंप्लीट कन्वर्जन किट का वीडियो लेकर के आए हैं। ये ऑर्डर आई थी पॉल सर से, जो कि तमिलनाडु में रहते हैं। उन्होंने ये कंप्लीट सेट हमारे स्टोर से ऑर्डर किया है। सामने आप टेबल पर देख सकते हैं, वो ये अपने लेडी बाईसाइकिल में वो ये कन्वर्जन किट फिट करेंगे। यहाँ पे टायर साइज़ आप देख सकते हैं 26x1.95, जो कि लेडी बर्ड में ये एग्जैक्टली आती है, उसी का ये टायर ट्यूब के साथ, रिम के साथ और हब मोटर इसी में लेसिंग करके हम लोग प्रोवाइड भी करते हैं। इस प्रकार से ये 36 होल्स का हब मोटर है, 40 होल्स का भी अवेलेबल है हमारे स्टोर में। ये मोटर का स्पेसिफिकेशन है 36 वोल्ट 350 वाट का BLDC हब मोटर, कैसाई ब्रांड का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक तरफ आप अगर डिस्क का सुविधा है तो आप इसमें एक तरफ डिस्क लगा सकते हैं और दूसरी तरफ फ्री व्हील लग जाएगी। तो ये सब फिटिंग होकर के ही, तो आपको इसमें कोई, ये कंप्लीट किट है तो इसमें कोई ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो एग्जिस्टिंग रियर व्हील है उसको हटा करके आप इसको फिट कर देंगे तो आपका इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे बाकी कंपोनेंट्स है, उसके बारे में हम आपके साथ एक एक करके बताते हैं। ये था टायर 26x1.95 विथ 36 होल्स ऑफ BLDC हब मोटर, 36 वोल्ट 350 वाट। स्पीड इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 35 के अप्रॉक्स मिल जाएगा सिंगल राइड पे, और लोडिंग कैपेसिटी 150 kg है। इसमें जो कनेक्टर है ये जूलियट पिन कनेक्टर है, जो कि यहाँ पे लग जाएगी। यहाँ पे हम लोगों ने, अब इस कंपोनेंट पे आते हैं, ये किट में आपको हैलोंग केस का बैटरी पैक आती है जो कि डिटैचेबल रहती है। आप इजीली अपने साइकिल के फ्रंट रॉड में इसको लगा सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप देख करके इसको लगा सकते हैं। ये हैलोंग केस बैटरी पैक इसको कहते हैं। इसमें आपको बैटरी लेवल इंडिकेटर मिल जाती है, ये पूरा LED जलने का मतलब बैटरी फुल है, और जैसे जैसे बैटरी ख़त्म होते जाएगी ये LED कम होते जाएगी। इसमें आपको दो कीज़ मिल जाती है जो कि आप बाईसाइकिल के फ्रेम में लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसका जो माउंटिंग प्लेट रहती है वो यहाँ पे रहती है, ये इसके ऊपर स्लाइड और अनस्लाइड हो करके आप, एक फिक्स क्लैंप रहती है, ये फिक्स क्लैंप है, ये आपका साइकिल का फ्रंट रॉड में माउंट हो जाएगी यहाँ, और यहाँ स्क्रू से आपको रॉड पे लगाना रहता है, ये फिक्स प्लेट कहते हैं। और इसके ऊपर आपका बैटरी फिर इस तरह से चले जाएंगे, और फिर आप इसके ऊपर स्लाइड करके इसको लॉक कर सकते हैं। ये बैटरी के एक साइड में आपको देखने को मिलेगा चार्जिंग पॉइंट, और ये चार्जिंग पॉइंट को ऑन ऑफ करने के लिए ये स्विच प्रोवाइड किया जाता है। इसको ऑन करेंगे तो चार्ज होगी, ऑफ रहेगा तो चार्ज नहीं होगी। और ये बैटरी वाटरप्रूफ बैटरी है। एक साइड में आपको लॉक मिल जाती है। ये बैटरी पैक में आपको 3 ईयर्स का वारंटी मिल जाती है। इसका जो आउटपुट है वो XT60 कनेक्टर प्रोवाइड किया गया है हम लोगों ने, और जितने भी वायर्स है कंपोनेंट्स के लॉन्ग इनफ है ताकि हर एक जगह पे वो जा सके, कोई शॉर्ट वायर आपको नहीं पड़ेगी, छोटा नहीं पड़ेगी। तो ये था बैटरी 12.5 AH का, ये लिथियम आयन में रूफर सेल से बनाया गया, ये 3C विग्रेड सेल से बनाया गया ये बैटरी पैक है। उसके साथ अब आते हैं, ये चार्जर है, ये चार्जर ऑटो कट ऑफ चार्जर है, 42 वोल्ट कट ऑफ 2 एम्पियर का चार्जर है, और यहाँ पे LED का स्टेटस बताती है। जब बैटरी चार्ज पे रहती है तो रेड जलती है, और जब फुल चार्ज हो जाती है तो ग्रीन जलती है। इसमें इनबिल्ट फैन है आपका, जब चार्ज होगी तो फैन चलेगी, और चार्ज जब ख़त्म हो जाएगी, जब चार्ज कंप्लीट हो जाएगा तो फ़ैन बंद हो जाएगी।
जब भी आप चार्जर को कनेक्ट करते हैं तो पहले बैटरी में कनेक्ट कीजिएगा। इसका जो ये है, इस तरह से कनेक्ट करते हैं इसमें, और फिर ये इसमें लग जाएगी, और फिर आप इसको अपने एसी में पावर सोर्स दे सकते हैं। ये अभी हम लोगों ने पावर सोर्स दिया है, ये ग्रीन है क्योंकि बैटरी फुल है, और जब बैटरी फुल हो जाती है तो 42 के अप्रॉक्स वोल्टेज इसका जाती है। इसका आप वोल्टेज देख सकते हैं 41.2 वोल्ट है, ये फुल चार्ज्ड है अभी। कोई सेल्स 4.1 तक पहुंचती है। 10 सीरीज़ में ये बैटरी पैक बनी है और 5 पैरेलल। तो ये बैटरी पैक थी, चार्जर थी। आप अगर अपने बाईसाइकिल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो को फुल्ली आप देख करके कुछ आइडिया ले सकते हैं। ये आपका व्हील हो गया, जो कि आप पीछे वाले चक्का में इजीली जो एग्जिस्टिंग है उसको हटा करके आप ये डायरेक्टली लगा सकते हैं। इसमें नट बोल्ट सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, और एक साइड में फ्री व्हील लगी है, दूसरे साइड में आप डिस्क लगा सकते हैं। अगर डिस्क का सुविधा नहीं है तो फिर आपका वी ब्रेक भी इसमें काम कर जाएगी। और ये वाला रिम प्लेन रिम है, एलोई वॉल में भी, डबल एलोई वॉल में भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहती है उसी तो प्रकार से आपको बन करके मिलती है। अब चलते हैं ये कंपोनेंट्स में, जिसको इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल का एक्सेसरीज कहते हैं। हम लोग जब भी कस्टमर का कंप्लीट ऑर्डर आती है, कंप्लीट सेट का ऑर्डर आती है, तो इस प्रकार से कनेक्शन करके ही भेजते हैं। इसमें आपको कंट्रोलर इसमें जो लगी है वो 36 वोल्ट 350 वाट का 18 एम्पेयर का कंट्रोलर है। तो इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने रख करके हम लोग दिया करते हैं। ये इसको कंट्रोलर बॉक्स कहते हैं। इसको आपको सीट का जो निचले वाला रॉड रहता है उसमें आपको इसको फिक्स करना रहता है। इसको मेन यूनिट कहते हैं, कंट्रोलिंग यूनिट कहते हैं, और इसको फिक्स करने के लिए क्लैंप प्रोवाइड किया जाता है। ये क्लैंप प्रोवाइड करते हैं, इसको कंट्रोलर बॉक्स कहते हैं। इसको आपको सीट का नीचे वाले जो रॉड में है, यहाँ पे इनकार्ब्ड देख रहे, उसमें लगा करके फिर ये क्लैंप से आपको इस बोल्ट के मदद से आपको फिक्स कर देना है। इस तरह से लग जाएगी दोनों तरफ, और आपको कनेक्शन के बारे में कोई चिंता ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये कनेक्टेड है। आपको सिर्फ ये सभी कंपोनेंट्स अपने साइकिल के जहाँ जहाँ लगेगी वहाँ वहाँ बस आपको प्लेस करना है। एक एक कंपोनेंट बताते हैं। ये जाएगी आपका बैटरी में, इसका मेल फीमेल सेम है, ये बैटरी में जाएगी। और ये है आपका मोटर का, जो कि इसमें लग जाएगी। इसमें दो एरो जब भी आप बनाएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो एरो रहती है, एक एरो यहाँ पे रहेगी और एक एरो यहाँ पे आपको मिलेगी। वो दोनों एरो को सेम लाइन पे रख करके आपको लगाना रहता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एरो और ये एरो सेम लाइन पे है। उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं, और ये वाटरप्रूफ कनेक्टर रहती है। इसको क्या, ये कनेक्टर का नाम है 9 पिन जूलियट कनेक्टर। उसके बाद आते हैं, ये हेडलाइट और हॉर्न है, प्रोजेक्टर लाइट है, ये नॉर्मल एलईडी नहीं, एलईडी ही है अंदर, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्टर है वो प्रोजेक्टर टाइप में है ताकि दूर तक रोशनी जाए। और इसी के पीछे आपको इनबिल्ट हॉर्न मिल जाती है। ये आप अपने साइकिल के शॉकर के ऊपर लगा सकते हैं, या बास्केट है तो बास्केट के पीछे लगा सकते हैं। यहाँ ये दिया गया है, और इसका ओरिएंटेशन भी आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हेडलाइट ऑन हो गई। उसके बाद आती है, ये एक्सीलेटर है, इससे आप एक्सीलरेट करेंगे
और ये की लॉक है जिससे आपका पूरा सिस्टम ऑन हो जाएगा और ऑफ हो जाएगा। ये कैसा शो करेगा अभी हम कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। कनेक्ट कर बैटरी को आप इसके साथ कनेक्ट करना रहता है इस तरह से। ये जब कनेक्ट कर लेंगे तो आप यहाँ पे जब की देंगे तो ये ऑन हो जाएगी और यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशंस आपको देखने को मिल जाएगी, वोल्टेज, बैटरी लेवल और ये ओडोमीटर। ये जैसे ही आप एक्सेलरेट करेंगे ये वोल्टेज हट करके स्पीड में चेंज हो जाएगी और स्पीड आपको दिखाने लग जाएगी। अभी हम इसको टेस्टिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसके बाद ये लेफ़्ट ग्रिप में लग जाती है। इसको लगाने का तरीका ये है कि लेफ़्ट का जो हैंडल ग्रिप रहती है उसको पूरा हटा करके आपको ये इंसर्ट करना रहता है और यहाँ पे एलन की रहती है, यहाँ पे एलन की रहती है जिसको आप टाइट करके अपने हैंडल में फिक्स कर सकते हैं। ये हॉर्न के लिए है, काफ़ी लाउड हॉर्न है, और ये लाइट के लिए। तो ये लेफ्ट वाला हैंडल में लग जाएगा और ये राइट का हैंडल में लग जाएगी। अब चलते हैं, ये पैडल एस, इसको कहते हैं पैडल असिस्ट सेंसर, शॉर्ट फॉर्म में PAS भी कहते हैं। ये बहुत सारे फॉर्मेट में आती है, कोई फाइव मैग्नेट में आती है। ये सब जो वाइट आपको दिखाई दे रहा है ये मैग्नेट है। इसका काम क्या है वो हम आप लोग के साथ बताएंगे अभी। किसी में 5 मैग्नेट रहती है, किसी में 8 रहती है और किसी में 12 रहती है। जितना ज़्यादा होगा उतना स्मूथ रनिंग होगी। इसका कार्य यह है कि अगर आप पैडलिंग करते हैं, इसमें दो पार्ट है, पैडलिंग करते हैं तो हाफ़ पावर आपका मोटर बैटरी से लेगी और हाफ़ पावर आप पैडलिंग के थ्रू देंगे, तो उससे क्या होती है कि रेंज बढ़ जाती है। ये फिक्स पार्ट है, जैसे कि हेलोंग के इसका फिक्स पार्ट ये बॉटम प्लेट रहती है, ये आपका पैडल के वहाँ लग जाती है ये सेंसर, और क्रैंकशाफ्ट में लग जाती है जिसको क्रैंकशाफ्ट भी कहते हैं, और ये आपका पैडल के साथ रोटेट होती है। ये डायरेक्शन दिया गया है किस तरह से इंस्टॉल करना है। इसका ये कंपोनेंट का एडवांटेज ये है कि आप अगर पैडलिंग करेंगे तो थोड़ा सा जब पैडलिंग करेंगे तो मोटर भी अपने आप थोड़ा घूमने लगेगी, और मैग्नेट ज़्यादा होने से सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छे से होती है। आप धीरे से भी पैडलिंग करेंगे तो वो सेंस कर लेगी और मोटर को जितना पावर लेना है बैटरी के थ्रू से उतना लेकर के वो अपने इंडिविजुअल वे में घूमने लगेगी। बहुत तेज़ी से करेंगे तो मोटर भी बहुत तेज़ी से फिर पावर लेना शुरू करेगी। तो पैडल असिस्ट सेंसर ये 12 मैग्नेट का इसमें मिल जाती है। ये ऑटो कटअप ब्रेक लीवर है, आपका जो एग्जिस्टिंग ब्रेक लीवर है उसको हटा करके आपको ये लगाना रहता है। इसमें आप अंदर देखेंगे एक सेंसर लगा हुआ रहता है जो कि अगर ये आप ब्रेक लगाते हैं तो मोटर को पावर जाना बंद हो जाती है, और ये करना ज़रूरी है क्योंकि अगर मोटर रनिंग सिचुएशन में आप ब्रेक लगाते हैं तो वो मोटर ज़बरदस्ती रुक जाएगी और वहाँ पे वाइंडिंग जलने का डर रह जाती है। इसीलिए जब भी आप ब्रेक लगाते हैं तो मोटर को पावर जाना बंद हो जाएगा, और जब वो ब्रेक काम करेगी, मैकेनिकल ब्रेक जो काम करेगी, या तो डिस्क ब्रेक या तो रियर ब्रेक, तब वो फ्री मोटर पे काम करेगी, जिसका वजह से जलने का चांस ही नहीं रहेगी क्योंकि मोटर पे पावर कोई रहेगी नहीं। इसीलिए ब्रेक लीवर भी लगाना बहुत ज़रूरी रहता है, और इसी में आपका वो ब्रेक का वायर इसमें आ जाएगी, एक लेफ्ट में लगेगी और एक राइट में लगेगी। ये सभी कनेक्शंस हम लोगों ने ये कंट्रोलर के थ्रू कर दिया है, ब्रेक लीवर, पैडल असिस्ट सेंसर, और सभी वायर्स लॉन्ग इनफ है ताकि हर एक जहाँ जहाँ लगना चाहिए वहाँ वहाँ लग जाएगी। ये थ्रॉटल, ये लेफ्ट में लेफ्ट ग्रिप विद स्विच, और ये हेडलाइट विद हॉर्न, और ये मोटर का केबल, और ये बैटरी।
और ये चार्जर, ये कंप्लीट सेट आप कोई भी साइकिल के लिए हमारे स्टोर से ले सकते हैं। लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन में दिया है और प्राइस डिटेल्स आप वहीं से पता कर सकते हैं। और बैटरी में भी हमारे यहाँ वेरिएंट्स आती है, इसमें आपको 5Ah से शुरू होकर के 18Ah तक आपको मिल जाएगी 36 वोल्ट में। और 48 वोल्ट में अगर आप किट लेते हैं, हमारे यहाँ 36 वोल्ट 24 वोल्ट का हब मोटर किट, 36 वोल्ट का हब मोटर किट, 48 वोल्ट का हब मोटर किट अवेलेबल है साइकिल के लिए। अगर आप 48 वोल्ट में लेते हैं तो 15Ah तक आप इसमें मैक्सिमम ऐसा केसिंग में, इसको हेलोंग केस कहते हैं, आप बना सकते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल किस तरह से वर्क करती है, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों के लिए है। क्या क्या कंपोनेंट्स लगती है, एसेंशियल कंपोनेंट्स, ये बैक व्हील में जाती है, ये आपका मेन पावर सोर्स बैटरी, ये कंट्रोलिंग यूनिट, और फंक्शंस को हैंडल करने के लिए ये सभी कंपोनेंट्स, ये मोटर को कट ऑफ करने के लिए मेन रीज़न, मोटर को कट ऑफ कर देती है जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं। आपको मोटर को चलाना है तो इससे एक्सेलरेट करके आप चला सकते हैं। आप अपने बैटरी का डाटा और कितना स्पीड में चल रही है, कितना किलोमीटर चल चुके आप यहाँ से देख सकते हैं। और अपने पूरे सिस्टम को चालू और बंद करने के लिए आप ये की का मदद से इसको बंद कर सकते हैं। और बैटरी को अगर आपको कहीं ऑफिस फ्लैट में चार्ज करना है तो इजीली आप ये की के ज़रिए इसको लॉक अनलॉक अपने बाइसाइकिल से करके स्लाइड करके आप ले जा करके कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं। ये इसका चार्जर है। ये रन कैसे करती है, उसके लिए हम लोगों ने सेम ये हब मोटर लिया है, केसाई ब्रांड का 350 वाट का, इसको हम चला करके आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और ये किट में आपको 1 ईयर का फुल रिप्लेसमेंट गारंटी मिलती है हर एक कंपोनेंट्स पे, फुल रिप्लेसमेंट गारंटी। अगर कोई भी सामान ख़राब हो जाती है तो आपको फुल रिप्लेस्ड मिल जाएगी वो कंपोनेंट। बैटरी में आपको 3 इयर्स का सर्विस वारंटी मिल जाएगी, 3 इयर्स का। और चार्जर में 1 ईयर का वारंटी आपको मिल जाती है। अभी इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट किट हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्पीड शो होने लग जाती है, जैसे जैसे आप एक्सेलरेट करेंगे वैसे वैसे ये स्पीड बढ़ते जाती है। ये व्हील का रोटेशन है, जब आप अपने व्हील में लगाएंगे तो ये ऑन रोड एक्चुअल स्पीड 30 प्लस में ही आपको मिल जाती है। तो इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल वर्क करती है। इसी को आपको पीछे वाले व्हील में लेसिंग कराना रहता है। अगर आपको लेसिंग नहीं कराना है तो आपको इस प्रकार का व्हील मिल जाएगी। साइज आपको 20 इंच से लेकर के 26, 27, 28, 29 सभी प्रकार के व्हील रिम में आपको मिल जाती है। तो ये बनी है, ये व्हील हम लोग लेसिंग के लेडी बर्ड साइकिल के लिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आप भी अगर इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस प्रकार का कंपोनेंट्स लगती है और ये हमारे स्टोर पे उपलब्ध है। ये 36 वोल्ट में है, 24 वोल्ट में भी सेम चीज़ें आ जाएगी, 36 में भी आ जाएगी और 48 वोल्ट में भी आपको मिल जाएगी। जितना वोल्टेज बढ़ती है उतना स्पीड और टॉर्क बढ़ती है। आपको इसमें जो 36 वोल्ट में स्पीड और टॉर्क मिलेगी 48 वोल्ट में उससे ज़्यादा आपको मिलती है और 24 वोल्ट में इससे कम मिलती है। और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है वैसे वैसे सामान का प्राइस भी बढ़ते जाती है, क्योंकि उसमें 48 वोल्ट का बैटरी लगेगी और 36 वोल्ट के कंपैरिजन में 48 वोल्ट का
कॉस्ट ज़्यादा आती है और किट का कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमारे सागर ईवी स्टोर से बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं न्यू सामान का। हालांकि ये तो बहुत अवेलेबल्स है, लेकिन एक इस तरह से कंप्लीट सेट आपको वारंटी के साथ गारंटी के साथ हमारे यहाँ से उपलब्ध रहेगी, और बेस्ट प्राइस में हम लोग देने का कोशिश करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।